हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग फ्रीज ड्रायर के बारे में बात करेंगे। इसमें हम इसका प्रिंसिपल देखेंगे, कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे, वर्किंग, यूज, एडवांटेज और डिसएडवांटेज को डिटेल में स्टडी करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताप सिंह, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस इक्विपमेंट को हम जो है लायोफिलाइजेशन भी बोलते हैं। अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें, इन फ्रीज ड्राइंग वाटर इज रिमूव फ्रॉम द फ्रोजन स्टेट बाई सब्लिमेशन। इसमें हम जो वाटर है उसको रिमूव करते हैं फ्रोजन स्टेट में ही प्रोसेस को यूज करके सब्लिमेशन की। इसमें क्या होता है, वो डायरेक्ट चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम सॉलिड टू वेपर विदाउट कन्वर्टिंग इट टू लिक्विड फेज। इसमें हम जो भी हमारा वाटर है उसको आइस से सीधे वेपर में कन्वर्ट करते हैं बिना उसको लिक्विड में कन्वर्ट किए। इसके लिए हम जो है वाटर का फेज डायग्राम यूज करते हैं, उससे हमें अपने एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को डिसाइड करने में आसानी होती है। द मटेरियल इज केप्ट बिलो द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ ट्रिपल पॉइंट। जो भी हमारा मटेरियल है उसको हम ट्रिपल पॉइंट के टेम्परेचर और प्रेशर के नीचे रखते हैं, जिससे कि हमारा जो सब्सटेंस है वो डायरेक्टली सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो ट्रिपल पॉइंट है ये वो पॉइंट कहलाता है फेज डायग्राम में, जहाँ पे हमारा सब्सटेंस लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों फॉर्म में अवेलेबल होता है। अगर हम वाटर की बात करें तो यहाँ पे आइस, लिक्विड वाटर और वाटर वेपर एक साथ इस पॉइंट पे होती है। मीन्स वो पॉइंट जहाँ पे तीनों स्टेट एक साथ रहती हैं उसको हम ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। अंडर दिस कंडीशन एनी हीट ट्रांसफर्ड इज यूज एज ए लेटेंट हीट एंड आइस सब्लिमेट डायरेक्टली इनटू वेपर। इस पॉइंट पे जो भी हीट है वो हमारा लेटेंट हीट होती है और हमारा सब्सटेंस सीधे आइस से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसका सब्लिमेशन होता है। अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो इस डायग्राम में है। इसमें क्या होता है कि इस प्लेस पे जो भी हमारा इक्विपमेंट है ये उसका जो है डोर होता है और यहाँ पे हीट जो है सेल्स होती है। ये हमारा फ्रोजन सब्सटेंस है, ये हमारा जो कहलाता है वो ड्राइंग चैम्बर और ये इसको हम कहते हैं कंडेंसर। इसमें हम जो है वैक्यूम पंप को कनेक्ट करते हैं, ये होता है आइसोलेटेड वॉल और यहाँ से हम रेफ्रिजरेशन की प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मेंटेन मैनिफोल्ड। हाँ, तो अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ ए ड्राइंग चैम्बर, हीट सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन सोर्स और एक कंडेंसर इसमें अटैच होता है और एक वैक्यूम पंप इसके अंदर अटैच होता है। हाँ, इस चैम्बर में काफी सारी सेल्फ होती है जिसके ऊपर हम अपने जो मटेरियल है उसको रखते हैं। अब हम लोग इस इक्विपमेंट के वर्किंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो इस इक्विपमेंट की वर्किंग है वो स्टेजेस में होती है। पहला हमारा स्टेज है प्रिपरेशन एंड प्री ट्रीटमेंट। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा सब्सटेंस है, जो भी हमारा सोल्यूशन है जिसको हमें ड्राई करना है उसको हम प्री कंसनट्रेटेड करते हैं। हम वैक्यूम ड्रायर को यूज करते हैं इसको प्री कंसनट्रेटेड करने के लिए। जब हम इसको प्री कंसनट्रेटेड करते हैं तो क्या होता है कि इसकी एक्चुअल ड्राइंग की इफिशियंसी रिड्यूस होती है 8 to 10 times, या आप कह सकते हैं ड्राइंग की इफिशियंसी जो है वो इंक्रीज हो रही है 8 to 10 times। हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट इस स्टेज में निकलता है वो काफ़ी जो है पोरस होता है, जिसके कारण कि हीट ट्रांसफर उसमें प्रॉपर होता है। इसमें हम लिक्विड या जो है सॉलिड वो डेसिकेंट यूज करते हैं इस प्रोसेस को करने के लिए। उसके बाद अगली स्टेज है उसको हम बोलते हैं प्री फ्रीजिंग टू सॉलिडिफाई वाटर। इसमें हम जो भी हमारा सैंपल है उसको वायल्स में, एम्प्यूल्स में या बॉटल्स के अंदर जो है ले लेते हैं और उसको हम जो है कूल्ड सेल्फ्स के ऊपर रखते हैं जिसका कि टेम्परेचर -50°C होता है, जिससे कि उसके अंदर जो वाटर होता है वो फ्रीज हो जाता है। जो भी हमारा कैबिनेट है उसको हम एक लो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में मेंटेन करते हैं। उसके बाद जो तीसरा स्टेज है इसका, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ड्राइंग। इसमें क्या होता है, द मटेरियल टू बी ड्राइड इज स्प्रेड एज मच लार्ज सरफेस एज पॉसिबल फॉर सब्लिमेशन। जो भी हमारा मटेरियल जिसको हमें ड्राई करना है उसको हम खूब ज़्यादा स्प्रेड कर देते हैं, जैसे कि हमारी जो सब्लिमेशन की प्रोसेस है वो अच्छी तरह से हो। टेम्परेचर और प्रेशर की जो कंडीशन है उसको हम मेंटेन करते हैं वो बिलो द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। जो हमारा वाटर का ट्रिपल पॉइंट है उसकी कंडीशन के नीचे हम इसको मेंटेन करते हैं टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन को। उसके बाद हम इसके अंदर वैक्यूम जो है अप्लाई करते हैं 3 mmHg और जो हमारा फ्रोजन सैंपल है उसके ऊपर हम वैक्यूम अप्लाई करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, हम इसमें
2900 किलो जूल पर केजी के हिसाब से जो है हीट अप्लाई करते हैं, और ये जो हीट है ये इसकी लेटेंट हीट के हद से वो ज्यादा होती है, जिससे कि हमारा सब्सटेंस जो है हो जाता है वो सब्लिमेट हो जाता है, आइस सीधे वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद में अगली स्टेज है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ड्राइंग। इसमें हम अगर कुछ भी मॉइस्चर है तो उसको रिमूव करने के लिए इस स्टेज को यूज करते हैं। इसमें हम अपने सब्सटेंस को 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक काफी लो वैक्यूम कंडीशन में इसको हम रखते हैं, तो जो हमारा सब्सटेंस है इस कंडीशन में पूरी तरह से ड्राई हो जाता है। उसके बाद हम अपने वो जितनी भी हमारी वायल्स हैं उनको प्रॉपरली पैक कर देते हैं। अगली स्टेज है हमारी पैकिंग। अब हम इसके यूज के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो इक्विपमेंट है ये हमारे ब्लड प्लाज्मा और उसके जो फ्रैक्शंस हैं उनको ड्राई करने के लिए यूज होता है। जो हमारा बैक्टीरियल और जो वायरल कल्चर है उसको ड्राई करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। ह्यूमन टिश्यू को ड्राई करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। एंटीबायोटिक्स एंड प्लांट एक्सट्रैक्ट को ड्राई करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, और स्टेरॉइड विटामिन और एंजाइम को भी हम ड्राई करने के लिए इस इक्विपमेंट को यूज करते हैं। अगर हम इसके जो एडवांटेज की बात करें तो इसका जो पहला एडवांटेज है, अगर हमारा सब्सटेंस जो थर्मोलबाइल है तो उस कंडीशन में हम इसको ड्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम जब काफ़ी वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं, और वैक्यूम क्रिएट करने से हमारे सब्सटेंस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है, और जो हमारा सब्सटेंस है वो कम टेम्परेचर पे ही आइस से सीधे वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो अगर हमारा सब्सटेंस थर्मोलबाइल है तो उस कंडीशन में भी हम इस इक्विपमेंट को यूज कर सकते हैं। इस इक्विपमेंट को अगर हम यूज करते हैं तो जो हमारा सब्सटेंस है उसका बल्क वॉल्यूम डिस्टर्ब नहीं होता है, रिटेन रहता है, वो डीनेचुरेशन उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है। मॉइस्चर लेवल कैन बी केप्ट एज लो एज पॉसिबल। हम जितना ज्यादा ड्राई करना चाहें उतना ज्यादा इस इक्विपमेंट में हम ड्राई कर सकते हैं। हाँ, द मटेरियल कैन बी ड्राइड इन इट्स फाइनल कंटेनर सच एज सिंगल डोज एंड मल्टीपल डोज वायल। जो भी हमारा सब्सटेंस है उसको हम उसके जो हमारा फाइनल कंटेनर है, वो जैसे इंजेक्शन प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसकी जो उसका जो फाइनल कंटेनर है उसमें हम सीधे इसको ड्राई कर सकते हैं। स्टेरिलिटी कैन बी मेंटेन, इसके अंदर स्टेरिलिटी मेंटेन रहती है। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें, इक्विपमेंट एंड रनिंग कॉस्ट आर हाई। ये इक्विपमेंट थोड़ा महंगा होता है और इसको यूज करने में काफ़ी खर्चा आता है। इसका जो दूसरा डिसएडवांटेज है, डिफिकल्ट फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नॉन एक्वस अगर हमारे पास हमारा सॉल्वेंट है, हमारे वो सब्सटेंस के अंदर नॉन एक्वस वो सॉल्वेंट है, तो उस कंडीशन में हम इसको जो है प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम इसको स्पेशली वाटर की कंडीशन में ही यूज करते हैं। हाँ, द पीरियड ऑफ ड्राइंग इज हाई। इसमें अप्रॉक्सिमेटली 10 आवर का टाइम लगता है सब्सटेंस को ड्राई करने के लिए, क्योंकि अलग अलग स्टेज पे सब्सटेंस को मेंटेन करने में टाइम लगता है। ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, ये इक्विपमेंट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।